राम राम भाई सारे भाइयों ने। भाई सूरी 25 तारीख ने ब्याह की थी जैसे, तो इसका ही रिकॉर्ड है भाई। यो सिर्फ याद रखने के लिए है ताकि हमें एक एग्जैक्ट डेट पता चले, हम मेंटेन कर सकें इस चीज़ को कि भाई कितने दिन के बच्चे हो चुके हैं, कितना फीड खा चुके हैं और क्या आउटपुट दे रहे हैं। जैसे कि डेट ऑफ डिलीवरी, नंबर ऑफ पिगलेट, कितनी फीमेल थी, कितने मेल थे, उसके बाद आयरन का इंजेक्शन कब लगा है, बी कॉम्प्लेक्स का कब लगा है, दोबारा आयरन का कब लगेगा, डी वार्मिंग कब होगी, कॉन्स्टलेशन कब होगा, ये सारी चीज़ें ध्यान रह जाती हैं इस चीज़ से। अभी इसको यहीं पर लटका दिया जाएगा इसके साथ में, जैसे ये जो पाइप है एक पॉलिथीन में डाल के, और यहीं पे इसको लटका देंगे ताकि आते जाते इस पे नज़र पड़ती रहे और हमें ध्यान रहे कि इसको क्या लगाए क्या नहीं लगाए, कितने दिन बाद इसका क्या आयरन देना है या फिर बी कॉम्प्लेक्स देना है या फिर कॉन्स्टलेशन करना है। इससे क्या है कि हमारा एक बिल्कुल एग्जैक्ट वो ये नहीं है कि लगभग 3.5 महीने के, 4 महीने के, नहीं भाई, वो फिर एक फिक्स डेट हो जाती है कि भाई ये इतने दिन के बच्चे हो गए। जैसे ही दूध से हटते हैं बच्चे, इसी पेपर को आप जिस बाड़े में इन बच्चों को शिफ्ट करते हो वहाँ पे ले जाओ, इस पे माँ से अलग होने की डेट लिखो, इनकी स्टार्टर कब स्टार्ट हुई थी वो लिखो, फिर स्टार्टर फिनिश कब हुई है वो लिखो, ग्रोवर कब स्टार्ट हुई है वो लिखो, ताकि ये पता चलते रहे कि ये इतने दिन में इतना आउटपुट दे रहे हैं, इतनी फीड खा रहे हैं। उससे फिर लगभग वाली जो बातें हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं, फिर एक एग्जैक्ट अमाउंट निकल के हमारे सामने आ जाती है कि भाई इतने दिन के बच्चे हैं। ना ही किसी को हमें बताने की ज़रूरत पड़ती, फिर कोई भी विजिट करने के लिए अगर फार्म में आता है तो ये पेपर देख सकता है, उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई ये बच्चे इतने दिन के हो गए हैं। ये हमारे लिए आसानी रहती है, हमें किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई नहीं, हमें भी तो पता चले कि हमारे फार्म में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ताकि सारा सब कुछ मेंटेन हो। अभी जैसे इनको कल आयरन का इंजेक्शन दिया था तो मैंने इसमें टिक कर दिया है, अभी इनको बी कॉम्प्लेक्स का देंगे, वो मैंने पहले ही टिक कर दिया, वैसे मैं अभी इनको देने ही वाला हूँ 5 से 10 मिनट में। कितनी मॉड्युलिटी हुई हमारी, कितना क्या हुआ, ये सारा रिकॉर्ड रहता है इससे। इससे हमें फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आए अपने फार्म पे देखा, अगर लेबर रखते हो आप लोग तो लेबर को ही बोलो कि भाई ये चीज़ मेंटेन करे। इससे क्या होता है कि जो हमारा फार्म है ये पता चल जाता है कि भाई कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है, हम लोग इनका ऊपर कितना खर्चा कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें फिर पता चल जाती हैं इस चीज़ से।